हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप घर में ही बहुत ही स्वादिष्ट पिज्ज़ा सॉस बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 7 से 8 एप्पल टमाटोस, इसे हम बीच से कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसका जो हार्ड सा हिस्सा होता है वो हम काट करके निकाल लेंगे। फिर हमें चाहिए एक मीडियम साइज अनियन, इसे भी हम बारीकी से काट लेंगे। फिर हम लेंगे गार्लिक, इसे भी हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। फिर हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून ओलिव ऑयल, 2 से 3 टीस्पून ओलिव ऑयल। जब तेल गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। जब गार्लिक हल्का सा सॉटे हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा देर सॉटे कर लेंगे, अराउंड 2 से 3 मिनट तक। फिर हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो, ड्राई बेसिल लीव्स और रेड चिली फ्लेक्स। ये सब हम जब डालेंगे गरम तेल में तो इसका जो अरोमा है वो अच्छी तरह इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए हमें ये इसी स्टेप में डालना पड़ेगा। फिर हम टमाटर को जो हमने आधा काट के रखा था उसे हम पका लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा सॉस बना रहे हैं तो आपको बड़ा सॉस पैन का ज़रूरत पड़ेगा। टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे नमक, नमक डालते ही ये मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देगा और जल्दी ही पक जाएगा। इसे हल्का सा हिला लेंगे। अच्छी तरह हिला लेने के बाद हम इसे ढक करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका जो टमाटर का जो स्किन है वो हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो स्किन रख भी सकते हैं, लेकिन स्किन निकालने से टमाटर जल्दी ही पक जाते हैं। जैसे कि टमाटर कितनी अच्छी तरह पक गया है, अब हम इसे एक स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह इसे स्मैश कर लेंगे। अगर आप स्किन नहीं निकालते हैं तो ये पकने में और टाइम लगता और स्मैश करने में भी दिक्कत हो जाती। फाइनल स्टेप में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये इसे बहुत ही अच्छा लाल कलर देगा। फिर हम ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। सॉस और रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे ढक करके अराउंड 2 मिनट तक पका लेंगे और फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। तो दोस्तों, इसमें हम शुगर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये टमाटर के खट्टेपन और लाल मिर्च के तीखेपन को बैलेंस कर देता है और बहुत ही अच्छा खट्टा और मीठा फ्लेवर देता है।
अब सॉस ठंडा होने के बाद हम इसे डाल लेंगे एक ब्लेंडर जार में। मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सी में पीस रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाए। तो मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह बहुत ही फाइन पेस्ट कर लूँगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनके रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।